हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपने बात करने वाले हैं आईटीबीपी की तरफ से जो निकाली गई है हाल ही में, जो आपकी दोस्तों रिक्रूटमेंट निकली है। एक तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की निकाली गई थी और दूसरा दोस्तों जो निकाली थी रिक्रूटमेंट वो आपकी निकाली थी स्टेनोग्राफर की। ठीक है दोस्तों, स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड की दोस्तों ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, अब इसके अंदर अपनी पूरी बात करेंगे आज की वीडियो में कि इसमें क्या क्या आपका क्राइटेरिया रखा गया है, इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है पूरा। ठीक है, रनिंग कितना मांगा गया है इसके अंदर, पूरी बात करेंगे आज की वीडियो में। तो आप अंत तक इस वीडियो में आप जरूर बने रहिएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सभी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। ठीक है, तो दोस्तों अपने चलते हैं अपने वीडियो के अंदर। आपने आगे देखो क्या है कि जो आईटीबीपी की तरफ से यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है जो आपकी स्टेनोग्राफर की है। ठीक है, और ये आपकी रिक्रूटमेंट 2022 की है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों बताऊं तो टोटल इसके अंदर पोस्ट जो रहने वाली है आपकी, ठीक है, टोटल पोस्ट जो आपकी रहने वाली है इसके अंदर वो आपकी 38 रहने वाली है। ठीक है, कितनी पोस्ट दोस्तों, 38 इसके अंदर पोस्ट आपकी टोटल रहने वाली है, जिसके अंदर से डायरेक्ट एंट्री की अलग से पोस्ट निकाली गई है और LDCE की अलग से। यानी दोस्तों डायरेक्ट एंट्री का मतलब क्या है कि ऑल इंडिया के कोई भी दोस्तों इसके अंदर आपको फॉर्म अप्लाई कर सकता है डायरेक्ट एंट्री में, लेकिन LDCE का मतलब ये होता है कि आपका जो डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए दोस्तों अलग से वैकेंसी निकाली गई है। जो डिपार्टमेंटल के कैंडिडेट होते हैं जिनके पापा या कोई भाई उसके राइफल उसमें सॉरी इसके अंदर आपका आईटीबीपी में आपके लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो LDCE की आपकी अलग पोस्ट है और डायरेक्ट एंट्री की आपकी अलग है। तो देखो दोस्तों इसके अंदर टोटल 21 पोस्ट है डायरेक्ट एंट्री की और LDCE की 17 पोस्ट है। ठीक है, टोटल जो पोस्ट है वो आपकी 38 है। अब देखो इसके अंदर जो मेल की और फीमेल की दोनों की अलग अलग पोस्ट है। ठीक है, तो देखो मेल की टोटल आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की, ठीक है, यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी है जनरल कैटेगरी है उसकी टोटल 7 पोस्ट है और SC कैटेगरी की 2 पोस्ट रखी गई है, OBC की आपकी 8 पोस्ट है और EWS की आपकी 2 पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से फीमेल की आपकी अनरिजर्व की 1 है और EWS की भी 1 वैकेंसी इसके अंदर रखी गई है। अब दोस्तों बात करें LDCE की, तो LDCE के अंदर 17 जो पोस्ट है टोटल, 17 में से आपकी 14 वैकेंसी जो है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की है और 2 पोस्ट आपकी किसकी है, आपकी SC कैटेगरी की है। ठीक है, और बाकी जो 1 पोस्ट है वो आपकी किसकी है, 1 पोस्ट आपकी ST कैटेगरी की इसके अंदर रखी गई है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी पोस्ट वाइज आपका मतलब कि पूरा है और इसकी जो आपकी PDF है वो आपको मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे मतलब प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इसकी PDF भी देख सकते हो। ठीक है, इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो PDF उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों इसके अंदर अपनी बात करते हैं आगे एज की। तो देखो दोस्तों इसके अंदर जो एज रखी गई है वो आपकी 18 साल से लेकर 25 साल की आपकी एज इसके अंदर रखी गई है। ठीक है, जो आपकी जो आपकी 1-2 तारीख, ठीक है, और पहला महीना और 1997 से दोस्तों देखी जाएगी। ठीक है, 2 तारीख पहला महीना और 1997 से आपकी ये देखी जाएगी। 18 साल से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद OBC के इसके अंदर आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा और SC ST की अगर के हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। अब बात करें इसके अंदर एप्लीकेशन फीस की, तो दोस्तों 100 रुपये इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है जो ऑनलाइन मोड के द्वारा दोस्तों आपको भरनी होगी। ठीक है, और किस किस को दोस्तों ये फीस भरनी है, तो अनरिजर्व कैटेगरी को, OBC कैटेगरी को और EWS कैटेगरी को। बाकी दोस्तों कोई भी कैटेगरी का हो उसको कोई भी फीस देने की इसके अंदर जरूरत नहीं है, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट क्यों ना हो तो फीमेल कैंडिडेट को भी इसके अंदर फीस आपको देने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बिल्कुल जो फॉर्म है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रहने वाला है। अब दोस्तों इसके अंदर बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी आपकी लेवल 4 के अकॉर्डिंग दोस्तों दी जाएगी और जो ग्रुप सी की दोस्तों ये आपकी पोस्ट रहने वाली है जो नॉन गजेटेड रहेगी। ठीक है, नॉन गजेटेड आपकी पोस्ट है रहने वाली है और इसके अंदर जो 29,200 से लेकर आपका जो मैक्सिमम जो आपका सैलरी रहने वाली है वो 92,300 रुपये तक आपकी रहने वाली है। यानी 29,200 से लेकर 92,300 रुपये तक आपकी इसके अंदर सैलरी रहने वाली है। अब बात करें इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो सिंपल इसके अंदर 12th पास दोस्तों, ठीक है, सिंपल 12th पास इसके अंदर मांगा गया है। ठीक है, और 12th पास में अगर आपके पास स्किल टेस्ट, और स्किल टेस्ट इसके अंदर जरूर मांगा गया है क्योंकि दोस्तों स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है तो स्किल इसके अंदर जरूर होगा। तो स्किल के अंदर देखो क्या है, डिक्टेशन मांगी गई है दोस्तों आपकी 10 मिनट में 80 WPM की आपकी डिक्टेशन इसके अंदर मांगी गई। WPM का मतलब होता है दोस्तों वर्ड पर मिनट, ठीक है, यानी 10 मिनट में आपको 80 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग आपको ये लिखना होगा। ठीक है, स्टेनो आपको लिखनी होगी। उसके बाद में आपको इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन इसका 50 WPM इंग्लिश में होगा या फिर 65 WPM हिंदी में होगा, यानी इन दोनों में से किसी एक में आपको करना होगा, जिसमें भी आप स्टेनो करोगे उसमें आपको ट्रांसक्रिप्शन भी करना होगा। यानी 65 WPM
आपका हिंदी में और 50 WPM आपकी इंग्लिश के अंदर, इसके अंदर आपका स्टेनो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, स्किल टेस्ट कितना मांगा गया है। और दोस्तों अगर आपको बता दूं, आपको डिक्टेशन, अगर आपको स्टेनोग्राफर है और आपको डिक्टेशन सीखनी है, तो मैं आपको एक नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा, एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां पर आप जाके देखना, तो वहां पर आपको अच्छे अच्छे डिक्टेशन विद आपकी 80 वर्ड पर मिनट, 40 वर्ड पर मिनट, 60 वर्ड पर मिनट, 120 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको अलग अलग प्लेलिस्ट वाइज आपको वो बनाकर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो उसको आप एक बार जरूर चेक कर लेना, ठीक है। तो स्किल टेस्ट का बता दिया आपको, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बता दिया, सैलरी का हो गया, फीस कितनी लगेगी, एज का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर अपने आगे चलते हैं, इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है वो अपने इसके अंदर हमने देखते हैं, जब तक आप इसको देखो। तो फ्रेंड्स अब हम देखो इसके अंदर आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको बाकी तो बता ही दिया, अब देखो अपने बात करते हैं इसके अंदर जो अप्लाई डेट है। देखो तो ये अपना अप्लाई कब से होगा, तो ये 8 जून से दोस्तों, ठीक है, 8 जून से यानी कि कल से दोस्तों, ठीक है, 8 जून से आपका ये अप्लाई हो जाएगा। और लास्ट डेट इसकी रहेगी 7 जुलाई, ठीक है, इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी आपकी, 7 जुलाई इसकी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखो सबसे पहले आपका एक नंबर पर क्या होगा दोस्तों, PET होगा, ठीक है, PET यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा इसका, ठीक है। दो नंबर पे आपका क्या होगा दोस्तों, PST होगा यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद तीन नंबर पे वहीं पर ही आपका DV हो जाएगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों DV के बाद में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा चौथे नंबर पे, पांचवें के नंबर पे दोस्तों आपका स्किल टेस्ट होगा वहाँ पे रिटन के बाद में, और स्किल टेस्ट के बाद में दोस्तों आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। छठे नंबर पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और मेडिकल के बाद भी दोस्तों एक बार आपका यहाँ पर एक बार फिर से आपका DV होगा दोस्तों, ठीक है, फिर से एक बार यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपका DV होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा नहीं है, फिर से एक बार मेडिकल के बाद में DV होगा, और DV के बाद में दोस्तों आपकी फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। DV का मतलब दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब बात करते हैं वन बाय वन इसके अंदर आगे, तो देखो तो सबसे पहले हमने PST की बात करते हैं, तो PST में देखो मेल कैंडिडेट के लिए अलग क्राइटेरिया है और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग क्राइटेरिया है, जिसमें हाइट, चेस्ट और वेट की बात करते हैं अपने, तो हाइट देखो आपकी 165 दोस्तों इसके अंदर आपकी हाइट होनी चाहिए, कितनी 165 आपकी सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट आपको होनी चाहिए। अब बात करें हाइट में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो ST कैटेगरी को और जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ST कैटेगरी और नॉर्थ ईस्ट से जो बिलोंग करते हैं उनको 162.5 सेंटीमीटर की आपको हाइट चाहिए, और इसी तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट से और ST कैटेगरी की जो फीमेल है उनको 150 सेंटीमीटर का आपको क्या मिलेगा, आपको इसके अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं चेस्ट की, तो 77-82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट इसके अंदर रहने वाली है ऑल कैटेगरी के लिए, ठीक है, लेकिन ST कैटेगरी के लिए जो आपकी है वो 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर आपकी रहेगी, और फीमेल के लिए दोस्तों ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ST कैटेगरी के लिए 1 सेंटीमीटर की यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं वेट की, तो जो वेट होगा दोस्तों वो हाइट के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग ही आपका वेट आपका मेजर किया जाएगा, मतलब कि हाइट के अकॉर्डिंग एक चार्ट होता है जिसमें आपकी उसके आपके उस क्राइटेरिया के अंदर आपका वेट होना चाहिए, ठीक है, अंडर वेट या ओवर वेट आप नहीं होने चाहिए, तो आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट आपका मेजर किया जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर अपने आगे चलते हैं PET के अंदर, ठीक है। देखो PET यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, इसके लिए अंदर मेल होता है, जो मेल के लिए आपकी जो आपकी रेस रखी गई है, आप देखो इसके अंदर सबसे पहले रेस होगी, जो रेस रखी गई है वो 1600 मीटर की रनिंग होगी दोस्तों, और वो किस में होगी यानी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, और टाइम आपको दिया जाएगा 7.5 मिनट का, ठीक है। और फीमेल के लिए 800 मीटर की जो रनिंग होगी उसके लिए टाइम दिया जाएगा 4 मिनट का। अब दोस्तों इसके अंदर आगे चलते हैं, कोई नंबर दोस्तों इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, नंबर आपको किसी भी तरीके से नहीं मिलेंगे। अब देखो लॉन्ग जंप बात करते हैं, लॉन्ग जंप आपके लिए जो मेल कैटेगरी है उसके लिए आपकी 11 फीट की लॉन्ग जंप रहेगी, और फीमेल के लिए 9 फीट की लॉन्ग जंप इसके अंदर रहने वाली है। और हाई जंप की बात करें तो 3.5 फीट की हाई जंप मेल कैटेगरी के लिए और 3 फीट की हाई जंप फीमेल कैटेगरी के लिए इसके अंदर आपकी रहने वाली है। और अगर बात करें इसके अंदर तो 3 चांस आपको इसके अंदर दोस्तों दिए जाएंगे, ठीक है, अगर फर्स्ट बार में आपकी अगर मान लो लॉन्ग जंप नहीं लगती है तो ऐसे करते करते आपको 3 चांस दिए जाएंगे, तीनों चांस में आपको एक बार आपको लॉन्ग जंप ये मारनी होगी या हाई जंप आपको मारना होगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया है PET के बारे में, तो ये आपका PET यहाँ पे ऐसे होगा। अब बात करते हैं इसके अंदर रिटन एग्जामिनेशन की, अब दोस्तों इसके अंदर अपने आगे चलते हैं, तो आगे देखो इसके अंदर रिटन एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो रिटन में आपको देखो इसके अंदर इंग्लिश पूछी जाएगी 20 नंबर्स की, ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे यानी 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के,
इसी तरीके से हिंदी होगी दोस्तों 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, आपके जीके और जीएस होगा दोस्तों 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, रीजनिंग भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के और मैथ भी आपको 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे। और दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह कि ओएमआर बेस्ड दोस्तों आपका ये पेपर रहने वाला है, यानी कि आपको ओएमआर दी जाएगी और आपका ये दोस्तों सीबीटी नहीं होगा, ऑफलाइन दोस्तों आपका पेपर होने वाला है। दूसरा दोस्तों नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर आपकी नहीं रखी गई है, ठीक है दोस्तों, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर बिल्कुल भी आपकी नहीं रहेगी। तीसरी बात करें तो अपने तो टोटल मार्क्स इसके अंदर कितने होंगे दोस्तों 100 नंबर का दोस्तों ये आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, और 100 ही क्वेश्चन इसके अंदर दोस्तों आएंगे, वो भी कौन से बेस पर दोस्तों 12th बेस पर दोस्तों इसके अंदर आने वाले हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे दोस्तों और 12वीं के बेस पर दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी बिल्कुल भी नहीं है, ओएमआर बेस्ड इसके अंदर रहने वाला है और 2 घंटे का दोस्तों इसके अंदर समय दिया जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना पेपर के लिए आपको, यानी टाइम जो मिलेगा, ठीक है, यानी जो टाइम मिलेगा आपका वो आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा दोस्तों, ठीक है, यानी 2 घंटे का इसके अंदर टाइम आपको दिया जाएगा पेपर के लिए। अब दोस्तों अपनों ने ये बात तो पूरी कर ली है रिटर्न वाली, अब देखो दोस्तों इसके अंदर अपने आगे बात करते हैं इसकी स्किल टेस्ट की। तो स्किल टेस्ट मैंने आपको बताया ही हुआ है कि स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, वही आपसे पूछा जाएगा, स्टेनो आपसे पूछी जाएगी, ठीक है, स्टेनो आपका पूछा जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ स्किल के अंदर, देखो तो स्किल के अंदर आपका पूछा जाएगा स्टेनो, ठीक है, स्टेनो में भी आपकी क्या डिक्टेशन पूछी जाएगी, देखो टाइम आपको मिलेगा इसके अंदर 10 मिनट का, ठीक है, और स्पीड कितनी मांगी गई है दोस्तों आपकी 80 WPM की, ठीक है, 80 WPM की स्पीड मांगी गई है, टाइम आपका 10 मिनट रहेगा और इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो आपको मैंने बताया हुआ है कि 50 WPM की स्पीड तो आपकी इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए या फिर 65 WPM की स्पीड आपकी हिंदी के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज आपका मतलब स्किल इसके अंदर आपका मांगा गया है, स्किल टेस्ट के अंदर आपका इसके अंदर रखा गया है, ठीक है। तो स्किल होने के बाद आपका मेडिकल हो जाएगा और मेडिकल के बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद आपका दोस्तों इसके अंदर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने पूरा अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है कि इसके अंदर क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहेगी, अप्लाई कब से करना है, ठीक है, टोटल चीज मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी है। फिर भी कोई आपको डाउट लगता है किसी भी चीज से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आप मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।